विपक्षी दलों की जो है बैठक है पटना में, अब नीतीश कुमार के ये अगुवाई में बैठक होने जा रही है। इसमें तमाम विपक्षी दल के जो है नेता शिरकत करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है केजरीवाल भी जाने वाले हैं और साथ राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव जो है एक ही चार्टर प्लेन से पटना पहुंचेंगे। अनुराग, कैसे देख रहे हो जो पूरा मामला है? 24 का कयास जो लगाया जा रहा है कि तमाम विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं नीतीश कुमार के अगुवाई में, नीतीश कुमार यूपी से भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लोग ये कह रहे हैं। देखिए, जब तक विपक्ष पूरा एकजुट नहीं हो जाएगा ना, तब तक फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो तानाशाही की सरकार है, जो हिटलर की सरकार है, वो सामने वालों की खाल को उधेड़ के चमड़ा का जूता बनाने का शौक रखती है। तो इनको उधेड़ने के लिए, इनको हटाने के लिए, इनको विपक्ष में बैठाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। हम तो कह रहे बीजेपी जो है वो विपक्ष के ही लायक है, क्योंकि जब वो विपक्ष में रहेगी ना तो देश का कल्याण होगा। ऐसे कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि मोदी जी जब तो मनमानी का हल चलाएंगे, आराम से ऐसे करके बैठ जाएंगे। जब ऐसे करके बैठ जाएंगे तो काम थोड़ी ना होगा। तब तो उनको सोचेंगे कि कोई बोलने वाला नहीं है, विपक्ष की तो हम आवाज़ दबा देंगे। यही हो रहा है यहाँ पे। कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है इस देश में मोदी के अलावा। अरे पत्रकार महोदय, आप तो सबसे बड़ा ऑप्शन है, आप बन जाइए प्रधानमंत्री, आप भी तो बनने के लायक हो। संविधान ने आपको भी तो उतना ही अधिकार दिया है जितना अधिकार राहुल गांधी को या फिर मोदी जी को मिला है। ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं और कोई नहीं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाते हैं। हम तो कहते हैं कि ये कहते हैं ना कि बहुत मतलब राहुल गांधी, ये हम तो कहते हैं दलित प्रधानमंत्री बना दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देश दलितों को एक्सेप्ट करेगा? क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, उनकी तरह थोड़ी है, उनकी तरह हम थोड़ी है कि भेदभाव करने वाले हैं। कि राष्ट्रपति तो दलित को और आदिवासी को बना देंगे, लेकिन उनको मंदिर से अछूत रखेंगे। दलित को हम, आदिवासी को हम राष्ट्रपति तो बना देंगे, लेकिन संसद से हम अछूत रखेंगे। राष्ट्रपति SC तो बना देंगे, लेकिन राजस्थान में मंदिर में घुसने से मना कर देंगे, अछूत रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कभी धर्म पे राजनीति करती है तो कभी जाति पे राजनीति करती है। जब तक मुसलमान भाई या फिर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग समझेंगे नहीं, तब तक ये अपनी तानाशाही करती रहेंगे। अमृतकाल चल रहा है? अमृतकाल नहीं पत्रकार महोदय, ये जहर काल है। अमृतकाल अगर होता तो किसानों के ऊपर लाठियां ना बरसाई जाती। अमृतकाल अगर ये होता तो यहीं पे जंतर मंतर पे बेटियों को घसीटा ना जाता। अगर ये अमृतकाल होता तो भारत के प्रधानमंत्री सवाल पूछने वाले को जेल में न डाल देते, प्रधानमंत्री जी सवाल पूछने वालों की सदस्यता न रद्द करवा देते, प्रधानमंत्री जी सवाल पूछने वाले को 2 साल की सजा ना करवा देते। यही तो प्रधानमंत्री जी का काम है। आप राहुल गांधी को लेकर ये बात बोल रहे हैं? और किसको लेकर बोलेंगे, हमको भी तो डाला था ना भाई, हमको भी तो डाल दिया था। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा है। प्रधानमंत्री जी तानाशाही पे उतरे। नरेंद्र मोदी का देश है भारत, है ये हिंदुओं का देश है। भाई देखो, अगर ये देश सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी का है तो इस देश का नाम नरेंद्र मोदी रख दीजिए। अनुराग कल से ही लोकतंत्र के माध्यम से घोषणा करता है कि कल से अनुराग ओझा भाजपा से सवाल पूछना बंद कर देगा, मोदी जी से सवाल पूछना बंद कर देगा। इस देश का नाम पहले आप मोदी रखिए। आप हिंदू हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सनातनी हिंदू। आप ये कैसे करें कि नरेंद्र मोदी देश का नाम रख दीजिए? आपने कहा कि मोदी जी देश है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा देश नरेंद्र मोदी का, भाजपा नहीं। नहीं, ऐसे ही है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका। उस नदियों में गंगा माँ है जिसने नरेंद्र मोदी को बुलाया है। अच्छा, एक चीज़ बनाइए, उनको गंगा माँ ने बुलाया है, और आपको किसने बुलाया था, हमको किसने बुलाया था, हमको भी तो उन्होंने बुलाया था। हैं, हम भी तो भैया अयोध्या के पास से ही आते हैं। हैं, वहाँ पर गंगा जी नहीं है, यमुना जी नहीं, हमको सरयू ने बुलाया है। तो दो नदियों के लाल लड़ेंगे, दो नदियों के लाल लड़ेंगे। एक चीज़ बताएं, गंगा जो आप हरिद्वार गए हो कभी? हैं, हरिद्वार में भैया घाट का निर्माण, जो हरि की पौड़ी का निर्माण हुआ, तो सुनहरे अक्षरों में लिखा इस घाट का निर्माण राजीव गांधी के फंड से कराया गया, ना कि प्रधानमंत्री फंड से कराया गया। बताइए गंगा का लाल कौन हुआ? जो झूठा है वो हुआ कि जो असली है वो हुआ? इन्होंने भैया करोड़ों पैसे खा लिए कि गंगा साफ। नरेंद्र मोदी हुआ, उन्होंने कहा है कि गंगा साफ करेंगे, करोड़ों पैसा गंगा के नाम पे खा लिया। अगर कोई एक चीज़ बताइए कि गंगा माँ के नाम पे तुम कितना पैसा खाओगे साहब, कब तक खाते रहोगे? इतनी मतलब दलाली तुमसे हो रही कि तुम गंगा के नाम पे पैसा खा रहे हो, कभी कोरोना के नाम पे पैसा खा रहे हो, कभी वैक्सीन के नाम पे पैसा खा रहे हो, कभी जवान के नाम पे पैसा खा रहे हो, कभी संविधान के नाम पे पैसा खा रहे हो, कभी पत्रकारिता के नाम पे पैसा खा रहे हो, क्या है मतलब साहब? ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सपोर्ट है ना बीजेपी को? हिंदुओं का सपोर्ट है। अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ पे 100 करोड़ हिंदू उनके साथ हैं, 100 करोड़ हिंदू उनके साथ हैं, बस दलित को फिर अछूत कैसे इन्होंने कर दिया? क्या दलित हिंदू नहीं है? हिंदू है तो दलितों को अछूत क्यों? एक चीज बताइए, जो चमार है वो क्या हिंदू नहीं है? उनको अछूत क्यों? जो कोरी कुर्मी पासी है क्या वो हिंदू नहीं? खुद पिछड़ों का बेटा है, पिछड़ों का। एक चीज बताइए, वो OBC है आप, मोदी जी अगर पिछड़ा है तो पिछड़ों के लिए क्या क्या है?
हम कहते हैं साहब हमको रोजगार न दे पाए तो कम से कम पिछड़ों को तो रोजगार दे देते हैं। हमको अगर महंगाई कम ना कर पाए हमारे लिए, तो जो पिछड़े हैं उनको तो कम से कम महंगाई कम कर देते उनके लिए। हमारे लिए 1200 रुपए का सिलेंडर था, उनके लिए तो 200 रुपए का कर देते सिलेंडर। अरे किसको भैया, प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति धर्म पे कर रहे हैं, भेदभाव नहीं करते, भेदभाव नहीं करते हैं, नहीं करते। सिर्फ दिखावा होता है कि जाके चाटुकारिता कर लेना, खा लेना, वो दिखावा है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ दिखावे पे जीते हैं, ये विज्ञापन जीवी और जुमला जीवी प्रधानमंत्री हैं। गलत गलत नहीं है, सही है, सही है। मोदी जी आप बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। तो पूरा देश मिला है ना मोदी को, समर्थन मिला है भाई। समर्थन जब मिला था तब मिला था, पहले इकलौते हिंदू है जो विरोध कर रहे हो। हम इकलौते नहीं, हमारे साथ जितने भी हिंदू हैं, जो हम जैसे सनातनी है ना, जितने भी राष्ट्र सनातनी हैं, धर्म ध्वजा रक्षक हैं, वो अपने देश को बचाने के लिए अपनी गर्दन भी कटवा देने के लिए तैयार है। तो बचाओगे देश? बिल्कुल, देश बचाना है। किससे बचाओगे भाई? मोदी जी से। हम देश बचाना चाहते हैं, वो अडानी बचाना चाहते हैं। हम बेटियों को बचाना चाहते हैं, वो बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं। हम यहाँ पे बेरोजगारों को बचाना चाहते हैं, और वो वहाँ पे महंगाई बढ़ाना चाहते हैं। अरे पटना में मीटिंग से क्या होगा भाई? भाई देख लेना, तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, और मीटिंग के बाद में पूरी सरकार बदल देंगे। ओ भाई, सरकार बदल दोगे? बिल्कुल। वहाँ से क्या होगा जो ऐसा सरकार बदल दोगे? इतना जोश बोलते हैं भाई। मैं क्या कह रहा हूँ कि सब इकट्ठा हुए हैं ना, एक शेर के दहाड़ने से 50 शेर के दहाड़ने से बहुत फर्क पड़ता है। वहाँ पे मंच से जब एक साथ सब हुंकार भरेंगे ना, तो मोदी जी थर 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 कांपने लगेंगे। ये बात नोट कर, इलेक्शन में सारे विपक्ष एक हो गए थे, रिजल्ट क्या आया? नहीं, रिजल्ट कुछ भी आया हो, मैं क्या कह रहा हूँ, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए पत्रकार महोदय। मैं फिर कहता हूँ कि ईवीएम हटा दोगे ना साहब, ईवीएम हटा दोगे तो अभी नहीं पकड़े, ईवीएम हटाओगे ना कमल ही नहीं पूरा तालाब सूख जाएगा। तो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए अंग्रेजों ने अत्याचार। तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए ना भाई ईवीएम पे? भाई पूरी पार्टी तो बोल रही है, पूरी पार्टी तो बोल रही है, पवन खेड़ा जी भी बोल रहे हैं, और भी विपक्षी जितने भी नेता हैं, ईवीएम हटा दो साहब बस। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक देश सुरक्षित होने वाला नहीं है। अब पत्रकार महोदय आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ईवीएम के खिलाफ आप लोगों को पूछो उनसे। सुप्रीम कोर्ट जाइए भैया, वहाँ अर्जी वर्जी लगाइए। सुप्रीम कोर्ट में जाने से हमारा आपको लगता है कि फायदा हो जाएगा, काम हो जाएगा? हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में फैसला देगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। 24 तो अब नज़दीक आ रहा है। ए मोदी जी, आप तो 6-7 महीना बाद जाने वाले हैं, कम से कम जाते जाते ये बता दीजिए हमारे अच्छे दिन कब आने वाले हैं? तो अच्छे दिन की तलाश है। बिल्कुल, अच्छे दिन, अमृतकाल में अच्छे दिन, अमृतकाल में अच्छे दिन ही तो चाहिए हमें भैया। मोदी जी आपके अच्छे दिन, हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, हमको वही 50-55 वाला डीजल पेट्रोल लौटा दो, हमको आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए मोदी जी, हमको हमारे पुराने दिन लौटा दो। कह रहे सशक्त प्रधानमंत्री? सशक्त नहीं है ये, सशक्त होते तो महिला सशक्तिकरण की बात करते। अब अपने सांसद, अपने विधायक, अपने संसायोजक को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये देश क्या बांध के बोलते हो, उसे क्या मैसेज देना चाहते हो यार? भाई देखो एक चीज़ बताएं, जो मेहनती होता है, जो किसान होता है, वही बोलता है, वही मुड़ाइच्छा बांध के बोलता है, और सरकार उसी के सवालों से डर जाती है, घबरा जाती है, और 24 में ही मुड़ाइच्छा वाला सरकार को बदल देने का जज्बात रखता है। वो चाहे गरीब हो, किसान हो, जवान हो, कोई भी हो, सरकार को बदल देने का क्षमता रखता है। चलो शुक्रिया।